गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अच्छे हो? तो अब तक हमने स्टडी किया था वेट और मास के बारे में, हमने स्टडी किया था मौन के ऊपर। क्या वेट मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है? क्या चेंज होता है? वेट, ठीक है। अब मून मैंने याद किया, मून क्या है? मून, व्हाट इज मून? मून एक सैटेलाइट है, मून एक ऑब्जेक्ट है जो एक गिवन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो गिवन ऑर्बिट के अंदर एक प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। समझ में आ गया? हम बात करें किसकी? सैटेलाइट की। तो आज मैं आपको सैटेलाइट पे ले चलता हूं। कहां पर चलें? सैटेलाइट पर, ठीक है। सैटेलाइट सुनते ही आपके दिमाग में बात आती होगी, बोले सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, मोबाइल से सैटेलाइट पे सिग्नल भेजे गए वापिस आए, ये वो, ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना। सैटेलाइट की बात करें तो एक लार्जर ऑब्जेक्ट है जो एक गिवन ऑर्बिट के अंदर एक प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। क्या कराता है? सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? मतलब इट इज ए ऑब्जेक्ट विच मूव अराउंड ए अराउंड ए प्लेनेट इन ए गिवन ऑर्बिट इन गिवन ए ऑर्बिट विद ए ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल ए वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब सैटेलाइट होते हैं दो प्रकार के, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट नेचुरल, और दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है भाई। नेचुरल सैटेलाइट होता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल जिसे हम मून कहते हैं, आर्टिफिशियल जिसे कि आपने इनसेट वन बी, रोहिणी, आकाश, ठीक है ना, ये सैटेलाइट होते हैं। ओके भाई, क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं कि ये जो हमारे नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं ये काम क्या करते हैं। दो टाइप बताई। अगर हम बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ नेचुरल की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट को मून कहते हैं, और मून जो है सबसे ज्यादा जुपिटर के है। अरे जुपिटर के ही ना, जुपिटर, ठीक है, ओके, तकरीबन 70 के आसपास, ठीक है भाई, ओके। अर्थ के कितने हैं? अर्थ का 750 है, 750। अरे एक है अपना मून, अपना चंदा मामा, ठीक है ना। अर्थ का एक ही है, कौन? चंदा मामा, चांद, ठीक है ना। क्या है भाई? चांद है, ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल है सैटेलाइट की बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है पोलर सैटेलाइट,
और दूसरा होता है जियोग्राफिकल सेटेलाइट। पोलर और ए जियोग्राफिकल अपने अर्थ की मानते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ जिसकी रेडियस कितनी है, और ये रेडियस कितनी है, रेडियस है 6400 किलोमीटर। कितनी है भाई, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। अरे आपको पता है 6400, ठीक है। चलो अर्थ के पोल्स के रिस्पेक्ट में, जो सैटेलाइट पोल्स के रिस्पेक्ट में मूव करता है, ऐसे पोल्स के साथ क्या कहलाता है, पोलर सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। तकरीबन 500 से 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये मूव करता है, ठीक है भाई। अपने मौसम की जानकारी, फसलों की जानकारी, ये सब कौन देता है। अरे मौसम का हाल सुनाओ, मानसून के बारे में बताओ, फसलें कैसी हैं सब सुनाओ, अरे सुन लो मेरी बात बताओ, अपने सुनो मेरी बात। कौन से, कि इसका ये हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, कौन बताता है, पोलर सैटेलाइट बताता है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है भाई। चलो अगला हम बात करें तो जियोग्राफिकल सैटेलाइट ज्योग्राफी के बारे में बताता है। ज्योग्राफी का मतलब समझते हो गए, ज्योग्राफी का मतलब तो समझते हो, अच्छे समझते हो ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी मतलब आपकी ज्योग्राफी के बारे में, कंप्लीट ज्योग्राफी यानी कि कंप्लीट अर्थ को कवर कर ले भाई, ये कंप्लीट अर्थ को कवर कर लेते हैं। तीन सैटेलाइट होते हैं, ज्योग्राफिकल सैटेलाइट तीन होते हैं जो कंप्लीट अर्थ को पूरा कर लेते हैं। कंप्लीट अर्थ किसके बारे में, जियोग्राफी ऑफ प्लेनेट, किसी प्लेनेट की जियोग्राफी के बारे में बताते हैं, ठीक है भाई। किसी भी प्लेनेट की जियोग्राफी, ठीक है, ओके। ये होता है 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी यूज आता है, किसमें यूज आता है, कम्युनिकेशन के अंदर। सिग्नल को 36,000 भेजो, 36,000 वापस लाओ, कितना, 72,000 किलोमीटर चलता है, समझ में आ गया। लेकिन इसकी एक खासियत है कि आपने इसको दिल्ली पे लगा दिया, परमानेंटली दिल्ली पे रहेगा। आपने इसको बॉम्बे पे लगा दिया, परमानेंटली बॉम्बे पे लगा रहेगा। इसने आपको कलकत्ता लगा दिया, कलकत्ता रहेगा। यूपी लगा दिया, यूपी रहेगा। मतलब जहाँ फिक्स कर दिया ना वहीं रहेगा। और ये अर्थ की स्पीड से रोटेट करता है, जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी ना उसी से, यानी कि 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से ही मूव करता है। कौन सा सेटेलाइट है, जियोग्राफिक सेटेलाइट, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्पीड को हम लेके चलेंगे जी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सेटेलाइट जो होता है वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, और वहाँ जो वेलोसिटी होती है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी सुन लो, कौन सी भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो ऑर्बिट एक गिवन ऑर्बिट की वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। तो भाई साहब ये हमने ले लिया सैटेलाइट, क्या ले लिया भाई, सैटेलाइट ले लिया जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है भाई। क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर हमने अर्थ मान ली, क्या मान ली, अर्थ, अर्थ ये अर्थ ले ली हमने, और आर डिस्टेंस पर कोई एक सैटेलाइट
वी वेलोसिटी से एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब सुनो, एम मास तो कैपिटल एम मास तो ले लिया हमने अर्थ का, स्मॉल एम मास ले लिया हमने सैटेलाइट का। किसका ले लिया? सैटेलाइट का। अब जब हम बात करें तो सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो होगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ इसके ऊपर फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो होता है एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन वन और टू दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन इन केस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। किस में मूव करवाता है? सर्कुलर पाथ में। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक धागे के एक पत्थर को बांधा ऐसे घुमा रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, आगे पास में वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं अंदर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, इनवर्ड अप्लाई होता है ये, इनवर्ड इधर 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 दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जब दोनों फोर्स दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एम वी स्क्वेयर बाई आर दैट इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वेयर। ठीक है भाई साहब, साहब ये वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गया एम से एम, साहब कैंसिल हो गया, ये सब मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम आर अपॉन में आर स्क्वेयर। भाई ये जी एम बाई आर स्क्वेयर क्या आया था? अरे वी जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर ही तो था, यही तो था। तो रख दो भाई सीधी सीधी सी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ये वैल्यू भी हमारी सेम है या ये भी हमारी सेम है? जी एम बाई आर दोनों ही हमारी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देख लो एक बार, नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान कर लेना भाई साहब। वेलोसिटी जो है ना वो मास ऑफ सेटेलाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। डू नॉट डिपेंड, ठीक है, मास ऑफ सेटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही। हाँ बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो ये, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, जितनी रेडियस पे आप छोड़ रहे हो, ठीक है, जी पर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। मास ऑफ सेटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है। कौन सी भाई? ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल स्पीड जो है ना वो डिपेंड करेगी कि किस उसके अंदर। अब बोले जी ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब बोले सेटेलाइट को लॉन्च कैसे करेंगे? लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट कर लेते हैं, कर ले, लॉन्च करते हैं सेटेलाइट को। चलो सेटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। सेटेलाइट को हमने लॉन्च कर दिया भाई, ठीक है ना, आपके कहने पर हमने सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, लॉन्च कैसे करेंगे? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट। अब देखो यार, ये मैंने अर्थ ले ली भाई, और इस अर्थ के ऊपर आप यहां छत पे खड़े हो गए। आप किसी पत्थर को फेंकोगे ऐसे, जब फेंकोगे तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी? करेगी। फिर आपने स्पीड बढ़ाई, अर्थ और दूर गिरेगा, और स्पीड बढ़ाई तो और दूर गिरेगा। अब आपने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ये गिरे ही ना,
ये चारों तरफ मूव करता रहे, ठीक है भाई, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दी लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। भाई मेरे समझ में आ गया। चलो, ये थी ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि जिसके अंदर सैटेलाइट मूव करता रहता है। अब हम बात करेंगे किसकी भाई साहब, अरे मेरे दोस्त किसकी, हम बात करेंगे एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड भाई सुन लो ध्यान से, अगर नहीं पढ़े तो एस्केप स्पीड से फेंक दूंगा। एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे अगर हम फेंके तो दोबारा रिटर्न ना करे उस प्लेनेट पर। इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई विच, सॉरी, बाई विच वी थ्रो ए ऑब्जेक्ट एंड दैट नेवर रिटर्न टू दैट प्लेनेट, वो कभी भी वापिस ना आए, ठीक है ना। तो एस्केप स्पीड से फेंक दूंगा, पहले बता रहा हूं, हाँ ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ, समझ गए ना। एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड कौन सी स्पीड है साहब, वो स्पीड है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको तो वो वापिस रिटर्न ना हो, एस्केप स्पीड कहलाती है, समझ गए मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई विच इफ ए ऑब्जेक्ट थ्रोन एंड इट नेवर रिटर्न, इट नेवर है रिटर्न, वापिस ही ना आए। अब बोले जी ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सुनो मेरी बात, आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब सीधी सीधी से आपने पढ़ा है, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने पढ़ी थी भाई मेरे, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है ना, आप पढ़ोगे इसको, पढ़ी नहीं, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे आप इसको, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, ठीक है भाई, एम जी एच, ठीक है, आगे बात मेरे दोस्त समझ में, अरे बोल। चलो, इस एच को मैं आर लेके चलूंगा, जी की वैल्यू लेके चलेंगे, एम से एम कैंसिल, हाफ वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जी, इसको आर लेके चलूंगा, एच इज इक्वल टू आर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो, अरे बोल मेरे भाई। चलो, तो भाई साहब जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर था कि नहीं था, अरे था तो रख दे, हाफ वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया भाई, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हाफ वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर ओनली। भाई टू को इधर ले आ, अरे ले आ मेरे दोस्त ले आ, कोई बात नहीं, ले आ तो तेरी मर्जी की बात, वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू टू जी एम बाई आर, भाई साहब वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम बाई आर, ये आगे वैल्यू। अब सुन मेरी बात, इसको यहाँ से रखे, यहाँ से रखेगा तो भाई साहब टू को इधर लेके आएगा, वी स्क्वेयर दैट इज, इस टू को उधर ले गया मैं, टू जी आर, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर, समझ में आ गया भाई, अरे बोल समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, सुन मेरी बात, अब सुन ध्यान से, कान खोल के सुन ले, सुनो, हाँ एक बात सुन, ये थी एस्केप स्पीड, वी एस्केप आ रही है, एस्केप आ रही है रूट टू जी आर, यही आ रही है ना, और भाई साहब ये क्या आ रही है, या ये ले सकते हो, वी एस्केप आ रही है, वी एस्केप आ रही है अंडर रूट टू जी एम बाई आर आ रही है, अरे ऑर्बिटल क्या आई थी भाई मेरे, अरे भाई मेरे आई थी वी ऑर्बिटल, क्या आई थी ऑर्बिटल, थी रूट जी आर, थी
या यहाँ थी वी ऑर्बिटल थी, ऑर्बिटल थी रूट जी एम बाई आर। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, देखो ध्यान से यार, रूट टू का फर्क आ रहा है ना, अरे रूट टू का ही तो फर्क आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एस के, अरे 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 सुनो इसको मिटा दो भाई मेरे, वी एस के पे, वी एस के, वी एस के इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल, रूट टू टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल मतलब उसके रूट टू टाइम्स हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे रखना चाहो तो भाई साहब आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ रख लेना, इसकी जगह 9.8 रख देना, जो आएगी ना वैल्यू हमारी वो आ जाएगी वी इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुन लो भाई, इसीलिए कहा था मैंने फेंकूंगा इतनी स्पीड से कि 1 सेकंड में तो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे, तो वापस कैसे आओगे सोच भी नहीं सकते वापस आने की। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो भाई साहब ये चैप्टर था हमारा कौन सा, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशन वाला, इस चैप्टर का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स। हैव ए चीयरफुल डे।